हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों आज हमें वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में बता दें आपको यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को कृष्ण और बलराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर के सभी मंदिरों में से सबसे अलग है, जिसकी सुंदरता आप देख ही रहे हो। बहुत सुंदर मंदिर है। यह देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, श्रद्धालु पर्यटक यहाँ आते हैं और ज़्यादातर हिंदुस्तान से ज़्यादा यहाँ विदेशी लोग आते हैं इस मंदिर में। इसकी डिजाइन पेंटिंग और चित्रकारी बहुत सुंदर है और भगवान के जीवन का वर्णन करती है ये मानो आप। तो जितनी भी पेंटिंग है जो डिजाइन अंदर है वो यही लगता है ये लीला हो रही है भगवान की। लोग पूजा पाठ करने के बाद अलग तरह की शांति का अनुभव भी करते हैं। इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में शायद करवाई थी न्यूयॉर्क में, यहाँ नहीं। इस समाज की मूल मान्यताएं भागवत गीता पर आधारित है। इस्कॉन मंदिर का संबंध वैष्णव संप्रदाय से है, जहाँ वैष्णव का अर्थ होता है भगवान विष्णु की पूजा और गौड़ का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ प्रदेश से है। और माना जाता है कि इसी जगह से वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विचारों और कार्यों को समर्पित, जिसमें भक्तियों का अभ्यास प्रयास करने के लिए इस्कॉन संस्था बनाई गई थी। समझ गए ना आप? आप देखिए अंदर के दर्शन आप कीजिए, बहुत सुंदर जगह है। आप तो आए भी होंगे काफ़ी लोग। और आपको बताएं इस्कॉन के उपदेश और प्रथाओं को श्री चेतन महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया था और स्वामी प्रभुपाद भारत में कई जगहों पर इस्कॉन मंदिर बनवाना चाहते थे। 1975 में उन्होंने वृंदावन में यह मंदिर बनवाया था। कुछ ही वर्षों में यह मंदिर देश के, आप तो जानते, देश के प्रत्येक कोने कोने में लोग इसको जानते हैं। संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 1977 में मृत्यु हुई। आप जगह समाधि में चले गए, समाधि मिली थी इसी जगह पर। मंदिर परिसर में उनका स्मारक बनाया गया है, अंदर है, मैंने उसको दिखाया नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो घर ले जाने नहीं दिया अंदर। इसलिए इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पे नहीं है, इसी के पानी में प्रेम मंदिर, आपने प्रेम मंदिर नाम सुना हो या गए भी होंगे, इसके बगल में ही है। और आपको बात बताएं, इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ज़्यादा दूर नहीं है। माना जाता है, लोग भी कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराने आते थे, खेला पूरा करते थे, गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, ठीक उसी जगह पर इस्कॉन मंदिर बनाया गया है। यह स्थान कृष्ण और बलराम के बचपन की विभिन्न कहानियों से जुड़ा हुआ है। समझ गए आप? इस्कॉन मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत डिजाइन और पेंटिंग भी की गई है, जिसमें कृष्ण की शिक्षा और अनेक जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुंदर वर्णन है। आप दर्शन कीजिए, कितने सुंदर है, दर्शन बहुत अच्छा लगता है इस्कॉन मंदिर में। ये बात है, इस्कॉन मंदिर तो जरूर आना आप दर्शन करने, बहुत अच्छा लगता है। कीर्तन तो चलता ही रहता है और मंदिर में स्थित देवताओं की पोशाक करीबन दिन में 2 बार बदली जाती है। 24% पुजारियों द्वारा मंदिर के देवताओं की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर के अंदर देखने लायक कुछ है स्थान, जैसे गौशाला है, स्वामी प्रभुपाद की समाधि है, प्रभुपाद हाउस, महाप्रसादम स्टॉल, वृंदा कुंड और भक्ति वेदना बुक स्टॉल है, जैसे संग्रहालय है शामिल। इसमें कई चीज़ें हैं जो देखने योग्य है और आप सामने देख ही रहे, दर्शन कर रहे हैं अपने प्यारे के।
इसी प्रकार कुछ अच्छी अच्छी चीज़ है और इसमें डिजाइन सबसे अच्छी लगती है, कीर्तन होता रहता है। पर आप जब भी आप आओगे तो यहाँ पर कीर्तन तो होता ही रहता है महामंत्र का। सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में इस्कॉन मंदिर सुबह 4:10 पर खुल जाता है। मंदिर खुलने के ठीक बाद सामान्य की आरती होती है प्रभु जी की। इसके बाद 4:30 बजे सुबह मंगला